हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक आज की इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग लेसन टेन बना रहे हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज डायवर्ट डायवर्ट क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस कंपोनेंट का क्या काम होता है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए देखिए फ्रेंड्स डायोड जो है इलेक्ट्रॉनिक का एक ऐसा सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाया जाता है और इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो एक साइड होता है मतलब इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं एक टर्मिनल हम एनोड के नाम से जानते हैं और एक टर्मिनल हम कैथोड के नाम से जानते हैं और इसमें जो करेंट का फ्लो होता है वो एक साइड पर होता है मतलब यहाँ पर पॉजिटिव एनोड से लेकर के कैथोड के तरफ जाता है और देखिए इसमें करंट का जो फ्लो होता है जिस तरफ जाता है मतलब एनोड टू कैथोड जब जाता है तो लो रेजिस्टेंस पर होता है और कैथोड टू एनोड जब करंट वापस आता है तो इसके अंदर बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है इस वजह से डायवर्ट के अंदर करेंट जो है एक तरफ फ्लो होता है और रिटर्न करेंट नहीं आता है देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको बहुत सारे डाइवर्ट्स देखने को मिल रहे हैं मोबाइल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरह के आपको एस एम देखने को मिलेंगे जिसमें कि मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे सैम्पल्स बताए हैं और देखिए फ्रेंड्स डाइवर्ट का क्या प्रिंसिपल होता है और ये किस तरह से काम करता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा देखिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफिक बनाया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं डाइवर्ट के अंदर का इंटरनल जो किस तरह से काम करता है वो आपको एक डायग्राम के थ्रू मैंने बताने की कोशिश करी है इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर डायवर्ट जो होता है दो हिस्से में बना होता है उसके अंदर एक पी रीज़न होता है और एक एन रीज़न होता है मतलब एक पॉजिटिव रीजन होता है जिसके अंदर होल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव के लिए होते हैं और यहाँ पर जो नेगेटिव जो, जो एन रीज़न होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहाँ से जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड जाता है और पास होता है लेकिन नेगेटिव से जब पॉजिटिव के साइड आता है तो वो यहाँ से पास नहीं होता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें डायोड के डाइवर्ट के अंदर जो करंट होता है वो एक साइड पर ही पास होता है मतलब जैसे कि यहाँ से अगर पॉजिटिव जाता है तो वो इधर से कैथोड से आउट होकर के मतलब यहाँ से निकल जाता है लेकिन जब कैथोड के साइड से अगर पॉजिटिव आता है तो वो यहाँ पर नहीं निकल पाता है और देखिए जो डायोड होता है वो अंदर इस तरह से सिलिकॉन से बना हुआ होता है जिस वजह से इसका जो करंट होता है वो एक ही साइड पर जाता है और रिटर्न नहीं आता है करंट यहाँ पे एनोड टू कैथोड पास होता है तो लो रेजिस्टेंस पर जाता है और जब से एनोड जब पॉजिटिव कभी करंट आता है तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो वहीं पर ड्रॉप हो जाता है इस वजह से करंट जो है इसमें एक ही साइड पर जाता है बेसिकली डाइवर्ट का यूज़ जो किया जाता है वो करंट को रेक्टिफिकेशन करने के लिए सिग्नल को लिमिट्स करने के लिए लिमिटर करने के लिए वोल्टेज को सेचूरेट करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए वोल्टेज रेगुलेट के लिए सिग्नल मिक्स करने के लिए सिग्नल को डी करने के लिए और ऑसिलेट करने के लिए डाइवर्ट को यूज़ किया जाता है और देखिए जो हमारा डायोड होता है वो फॉरवर्ड करंट करता है रिवर्स करंट को ड्रॉप कर देता है क्योंकि इसके अंदर जो एनोड और कैथोड होता है उस वजह से इसका करंट जो है पॉजिटिव में एनोड टू कैथोड में पास होता है और कैथोड टू एनोड में नहीं आ पाता है और देखिए फ्रेंड्स जो डायोड होता है वो बेसिकली टेन टाइप्स के होते हैं मतलब दस तरह के होते हैं जिसमें जो सबसे पहला होता है वो पी एन जंक्शन होता है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करी कि डायोड के अंदर दो रीजन्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इस वजह से इसमें जो करेंट का फ्लो होता है वो एक ही साइड पर होता है और जो हमारा डाइवर्ट का पहला साइड होता है उसे पीएन जंक्शन डाइवर्ट ही कहा जाता है जो आपके सामने यहाँ पर एग्जांपल के लिए देखने को मिल रहा है और डायवर्ट का जो पीएन जंक्शन का देखिए बेसिकली डाइवर्ट का जो साइन होता है वो सिंबल होता है वो ऐसा ही होता है लेकिन इसके जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको जितने भी डाइवर्ट के जो टेन टाइप्स है सभी के बारे में कुछ एग्जाम्पल के डायवर्ट और उनके सिम्बॉल के साथ मैं डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करूँगा तो देखिए जो हमारा सबसे पहला है पीएन जंक्शन आप देख रहे हैं इस तरह के जो डाइवर्ट आते हैं इन्हें हम पीएन जंक्शन डाइवर्ट कहते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इसमें सिल्वर साइड है ये इसका कैथोड होता है और जो यहाँ पर आप नॉर्मल देख रहे हैं वो एनोड साइड होता है तो करंट का फ्लो जब यहाँ से आता है अगर वो पॉजिटिव होता है तो यहाँ से पास होकर के निकल जाता है लेकिन अगर पॉजिटिव यहाँ से आता है तो यहाँ से वो नहीं निकल पाता है मतलब पास नहीं हो पाता है और देखिए ये जो डायवर्ट होता है मोस्टली ये ए को डी में कन्वर्ट करने के लिए भी होता है और इसके बाद में देखिए इसके बाद में देखिए जो डायवर्ट का सेकेंड टाइप होता है वो होता है जीना डायोड जीना डायोड अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मैं यहाँ पर आपको उसका एक शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देता हूँ कि जो जीना डायोड होता है एग्जांपल के लिए अगर ये फाइव वोल्ट का आपने जीना डायवर्ट लगाया है और यहाँ से बैक साइड से अगर एट वोल्ट भी आएगा तो यहाँ पर जो इसका कैनो कैथोड साइड है वहां से 5 वोल्ट ही आउट होगा उससे ज्यादा वोल्टेज अगर इस पर आएंगे तो ये यह यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगा और इसके करंट को ड्रॉप कर देगा तो इस तरह से जीना डाइवर्ट जो होता है जितने वोल्ट का होता है कैथोड के साइड से उतने ही वोल्टेज उसमें से आउट होते हैं देखिए उसके बाद में एक टनल डाइवर्ट होता है यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको कि हम एक अलग वीडियो के अंदर कवर करेंगे उसके बाद में जो हमारा फोर्थ डाइवर्ट होता है वो होता है वेरेक्टर डाइवर्ट जिसे कि हम वेरिकेप डायोड के नाम से भी जानते हैं और इसका जो आप साइन यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर एक कैपेसिटर जैसा साइन बना हुआ है मतलब कि इस डाइवर्ट के अंदर कैपेसिटर भी कंबाइन होता है इस वजह से इसे वेरिकेप डाइवर्ट भी कहा जाता है और ये रिवर्स बायस में काम करता है और मोस्टली इस तरह के डायवर्ट जो होते हैं वो टेलीविज़न में वर्क करते हैं क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी पर चलता है और जिस तरह से हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं उस तरह से ही ये वोल्टेज करंट को भी जो है कम और ज़्यादा करता है इस वजह से ये जो वेरेक्टर डायवर्ड है इसे हम वेरिकप डवर्ड के नाम से जानते हैं और एक डाइवर्ट प्लस कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कॉटी डाइवर्ट इस तरह के जितने भी डाइवर्ट्स होते हैं ये हाई वोल्टेज के ऊपर काम करते हैं इसका आप साइन यहाँ पर देख रहे हैं जिस सर्किट डायग्राम में अगर जब भी आपको इस तरह का साइन देखने को मिलता है मतलब वहाँ पर स्कॉटी डाइवर्ट लगा हुआ है और जो ये डाइवर्ट होता है ये हमेशा हाई वोल्टेज पर लगाया जाता है देखिए इस तरह के अपने कंपोनेंट जहाँ पर भी देखे हैं ये स्कॉटी डाइवर्ट की कैटेगरी के अंडर में आते हैं और जैसा कि मैंने बताया इन्हें वहीं पर लगाया जाता है जहाँ पर हाई वोल्टेज होते हैं हाई फ्रिक्वेंसी होती है वहीं पर इन्हें यूज़ किया जाता है इसके बाद में देखिए आप फोटो डाइवर्ट देख रहे हैं फोटो डाइवर्ट का मतलब होता है जैसे कि हमारा जो टीवी के रिमोट होते हैं या फिर जो एसी के रिमोट होते हैं आपने देखा होगा उनके हैडर के ऊपर इस तरह के अंदर एलईडी या फिर ये इंफ्रारेड जो आपको देखने को मिल रहा है ये एक तरह से डाइवर्ट की कैटेगरी होती है मतलब ये डाइवर्ट ही होता है जिन्हें फोटो डाइवर्ट कहा जाता है और इस तरह के जितने भी सेंसर जो रिमोट में यूज किए जाते हैं वो सभी फोटो डायवर्ट होते हैं और सर्किट में या फोन के आप कहीं पर भी स्कीमेटिक में आप इस तरह का अगर आइकॉन देखते हैं इसका मतलब ये है कि वहाँ पर फोटो डाइवर्ट लगा हुआ है जो कि एज अ सेंसर वर्क करता है उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक पिन डाइवर्ट होता है जो कि एक वेरिएबल डायोड होता है ये ज़रूरत के हिसाब से एक वेरिएबल डिफाइन करता है और वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है ये भी देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको कि हम बाद में एक अलग वीडियो के अंदर कवर करेंगे और आप सिंबल जो यहाँ पर देख रहे हैं एक नॉर्मल डाइवर्ट के सिंबल के अंदर यहाँ पर एक लाइन होती है जिससे हम इसे पहचान सकते हैं कि ये पिन डाइवर्ट है इसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट इमिटिंग डायवर्ट जिसे हम एल के नाम से जानते हैं आपने देखा होगा इस तरह की जितनी भी एल आती है ये भी डायवर्ट की एक कैटेगरी होती है मतलब एक तरह से डायवर्ड ही होता है जिसका फुल फॉर्म आप ऊपर देख रहे हैं लाइट इमिटिंग डायोड मतलब ये जो लाइट होती है ये एक डायोड होता है और देखिए इसका जो सिंबल आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से डायोड के साइन के ऊपर ग्लो का साइन होता है मतलब एरो जो बना हुआ है इसका मतलब ये होता है कि सर्किट में जहाँ भी आप देखते हैं वहाँ पर अगर इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलता है इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर एल लगा हुआ है उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं लेज़र डाइवर्ट है। आपने देखा होगा बहुत से टॉय के अंदर भी जो लेज़र लाइट होती है वो इस तरह के कंपोनेंट से निकलती है जो कि डायवर्ट का ही एक कैटेगरी का एक कंपोनेंट होता है जिसे हम लेज़र डायवर्ट के नाम से जानते हैं तो इस तरह के जितने भी जो लेज़र के ये होते हैं ये भी एक डाइवर्ट की कैटेगरी होती है और इसका सिंबल आप यहाँ पर देख रहे हैं उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको एवलेंस डाइवर्ट देखने को मिल रहा है ये भी एक हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करने वाला डायवर्ट होता है जिसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बना करके इसे कवर करेंगे डायवर्ट की इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि डायवर्ट के ऊपर ये वीडियो आपको कैसे लगी और इस वीडियो को बनाने में हमें कितने टाइम की मेहनत लगी होगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा क्योंकि बहुत से हमारे व्यूअर्स के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर हार्डवेयर के लेसन थोड़ा डिले होकर के आ रहे हैं तो देखिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने भी डिले होंगे आपको वीडियो उतने नॉलेज के साथ मिलेंगे और देखिए ये बात मैं पहले भी बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ कि हार्डवेयर सीरीज़ के जो शुरुआत के ट्वेंटी लेसन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैं डीपली कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इन ट्वेंटी लेसन्स के अंदर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे कंपोनेंट्स को कवर कर रहा हूँ क्योंकि देखिए एक बार जब आप इन इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स से फ्रेंडली हो जाएंगे मतलब इन सारे कंपोनेंट्स को समझ जाएंगे तो बाकी के जितने भी लेसन्स हैं उनमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जब भी अगर हमें इंग्लिश बोलना सीखना है तो उससे पहले हमें ए बी सी डी सीखना होगी उसके बाद में हमें ग्रामर पोर्शन सीखना होगा प्रोनाउंसिएशन सीखना होगा तब जा के आप एक अच्छे इंग्लिश बोल सकते हैं वैसे ही अभी जो हमारे शुरुआत के मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग के जो 20 लेसन्स हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स के ऊपर हैं और फ्रेंड्स मेरी पूरी कोशिश है कि मैं शुरुआत के इन 20 लेसन्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना डीपली नॉलेज दूंगा कि आप चाहे मोबाइल रिपेयरिंग करते हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के और भी किसी पेरीफेरल्स को रिपेयर करते हो आपको कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो फ्रेंड्स आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और इस वीडियो से आप वो कितना सीखने को मिला ये आपके कमेंट्स बताएंगे तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस तरह का नॉलेज और भी लोगों को मिल सके और हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग